जल्दी से आपको डॉली शर्मा के, डॉली मुस्कुरा रही थी अभी, जाहिर है कि अगर एक वन ऑल हो जाता है डॉली, अगर आप गुजरात हार जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तो कैसे देखेंगे इसे? देखिए आप मानक, आपको याद होगा कि जिस समय हिमाचल में उपचुनाव हुआ था तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी, और बीजेपी का जिस तरीके से वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहां के मुख्यमंत्री जो उस समय, उन्होंने भी कहा था कि महंगाई और बेरोजगारी से हिमाचल की जनता त्रस्त है। ये आपको याद होगा कि खुलकर वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद महंगाई कम हुई? नहीं हुई। क्या हिमाचल की जनता को कोई राहत मिली? नहीं मिली। तो हिमाचल की जनता ने इस बार इस बात को समझा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल की जनता कांग्रेस पर अपना विश्वास जताएगी और वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखिएगा मानक, हिमाचल में अगर महंगाई और बेरोजगारी है, गुजरात में नहीं है क्या? गुजरात में क्यों हार रहे हैं? हमने 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 गुजरात में भी जनता के मुद्दे उठाए, लगातार उठाए, चाहे मोरबी की बात हो, चाहे गुजरात में शराब की बात हो, चाहे ड्रग्स का जिस तरीके से वहां पूरा का पूरा फैलाव कर दिया गया हो, हमने हर मुद्दा वहां पर भी उठाया, चाहे वहां कोई भी मुद्दा रहा हो मानक, हमने जनता के मुद्दों को वहां सबसे पहले तरजीह दी। लेकिन जिस तरीके के ये रुझान आ रहे हैं, हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी कमी रह गई होगी, जरूर कांग्रेस इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करेगी और जो भी संगठनात्मक चेंजेस करने होंगे और वो करेगी, ताकि आगे वाले आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। हम उस पर जरूर गौर करेंगे मानक। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।